हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 15 नंबर कोर के लिए। ये छोटे साइज का कोर होता है। इसका ये एरिया जो है यहाँ से ये 3 इंच है। इस एरिया तक की लंबाई 2 इंच है। ये 1 इंच है, 1.2 सेंटीमीटर है और ये 1.5 इंच है। ये कोर बहुत तरह के ट्रांसफार्मर में यूज होता है, लेकिन जनरली कुछ ट्रांसफार्मर इससे यूनिक भी बनता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इस 15 नंबर कोर से आप 2 इंच बोबिन यूज़ करते हैं तो 12 वोल्ट 3 एम्पियर बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। इस तरह 2 इंच बोबिन में 150 वाट स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर आप बना सकते हैं। 2.5 इंच बोबिन में 200 वाट स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। 1 इंच में 12 वोल्ट 1 एम्पियर ऑटो कट ये ट्रांसफार्मर आप बना सकते हैं, जिसका कि इनपुट आप 220 वोल्ट टू 400 वोल्ट सप्लाई देने के लिए बना सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। इस ट्रांसफार्मर से आपको फ़ायदा क्या होगा कि बार बार जो ऑटो कट ट्रांसफार्मर जो जल जाता है, यहाँ ये प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगा और बहुत ही यूनिक ट्रांसफार्मर बनेगा। ठीक उसी तरह 24 वोल्ट 750 मिली एम्पियर ऑटो कट के लिए भी आप बना सकते हैं। इसके भी प्राइमरी का आप इनपुट 220 वोल्ट से 400 वोल्ट के लिए वाइंडिंग कर सकते हैं। और 2 इंच बोबिन में 50 वाट पोर्टेबल इन्वर्टर ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, जो कि 12012 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर बनता है। दोस्तों, और भी ट्रांसफार्मर इससे आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ का डाटा हमने यहाँ दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं अगले बार फिर एक नए कोर के आधार पर एक उसके डिज़ाइन के हिसाब से बतलाऊंगा।